हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड को फुल पेशेंस के साथ प्रैक्टिस में ले रहे होंगे। पेशेंस शब्द बोला है मैंने, रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे, आप सोचें कि आप विद इन 1 और 2 डेज में स्पीड मेंटेन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, निरंतर प्रयास चाहिए होता है, जिससे कि आप एक स्पीड को अचीव कर पाए। स्पीड का जो भी टारगेट होता है, उसके लिए जरूरी है कि आप जो वर्ड्स हैं, जो टफ वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस में लें। तो आज उसी फ्लो में हम ऑलरेडी आपको प्रत्यय की एक्सरसाइजेस, मतलब जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी वो हम आपको बता चुके हैं। आज जो मैं अपलोड करने वाली हूँ ये है उपसर्ग। जिस तरह से प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, उसी तरह से उपसर्ग, उप मतलब शुरू, ठीक है? तो उपसर्ग का मतलब होता है कि शुरुआत में लगकर कुछ ऐसे शब्द जो किसी शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ को बदलते हैं। हमेशा एक चीज बहुत जरूरी होती है, चाहे आप उपसर्ग बनाए चाहे आप प्रत्यय बनाए, जब भी कोई शब्द बनेगा तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। कोई भी निरर्थक शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय हम नहीं बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग पर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में पूर्व में जुड़ते हैं, मतलब शुरुआत में जुड़ते हैं और उनके अर्थों को बदलते हैं। अर्थों का बदलने का मतलब होता है कि उनका कुछ ऐसा मीनिंग निकालते हैं जिससे कि वो शब्द कुछ विशिष्ट बन जाते हैं, ठीक है? जैसे यत्न और प्रयत्न, तो यत्न मतलब किसी भी चीज के लिए आपको लगे रहना और प्रयत्न मतलब उसके लिए प्रयासरत रहना, ठीक है? तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो एक नए शब्द को डिफाइन करके बनते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन उपसर्गों को जब आप अपनी शॉर्ट हैंड में यूज करते हैं तो वहां पर वो कौन सा रोल प्ले करते हैं और आपकी शॉर्ट हैंड की ग्रिपिंग को कितना इंक्रीज करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहूंगी कि जब भी आप इनको बनाते हैं तो आपके शब्द जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जब शब्द शॉर्ट होते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, कमेंट में बताइए मुझे। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर मेरे शब्द शॉर्ट होते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, अपने उपसर्ग और प्रत्यय की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो शब्द आता है ये है प्र। देखिए, प्र कई तरह से होता है, जैसे प्रयत्न, प्रकार, ठीक है, प्रचार, प्रसार, कई जगहों पर यूज होता है। तो उसको आप किस तरह से लेंगे, तो जैसे प्र सिंबल है तो प्रा के लिए हम क्या करेंगे, प और रा, ये एक फिक्स वर्ड बना देते हैं, पा की व्यंजन रेखा में रा का हुक, इस तरह से, ठीक है? और इस शब्द को जब हम यहां लिखेंगे प्रयत्न में तो कैसे बनाएंगे, देखिए प्रा न, और जो पा में रा का हुक, ता का हुक और ना की व्यंजन रेखा, अब बच के आता है हमारा या। तो या के लिए या का शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा है ना, उसी को यूज करेंगे, ठीक है? प्रयत्न। इसी तरह से हमारा शब्द बनता है प्रचार, तो कैसे बनाएंगे हम, पा में रा का हुक, चा में रा का हुक, प्रचार। और अगर शब्द होता, ये थोड़ा सा अलग बता रही हूं, समझिए आप इसको, अगर शब्द होता प्रचार प्रसार तो हम कैसे बनाते, देखिए प्रचार प्रसार, इस तरह से हम इसे बना सकते थे, ठीक है? तो ये बन गया प्रचार और प्रसार। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम, शब्द है हमारा प्रबल। तो प्रा तो हमें पता ही है कि पा में रा का हुक है, बा में ला का हुक, प्रबल। इसके बाद शब्द आता है हमारा प्र, ठीक है, खा की व्यंजन रेखा, त, खा को यहां से कट लगा देंगे ताकि हम इसे डिफाइन कर पाए, और या यहां पर सेकंड प्लेस पे ये डिफाइन कर देंगे, प्रख्यात, ठीक है? इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द आता है वो है परा। अब जैसे पराजय, पराक्रम, पराभव, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं, तो परा के लिए क्या करेंगे, इसी को, प और रा को बनाएंगे, ठीक है?
अब यहां पर ये कट, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे थे, शुरू में ही जोड़ दे रहे थे, यहां शब्द से जोड़ेंगे नहीं, उसके नियर अबाउट लिखेंगे। तो जैसे लिखना है पराजय, तो देखिए ये परा आ गया और ये काट के हमने ज और या लिख दिया पराजय। शब्द लिखना है पराभव, तो ये परा आ गया, लाइन के ऊपर बना है ये, और यहां से हमने बना दिए भ और व, पराभव। इसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने जोड़ दिया तो ये प्र के लिए हो जाएगा, तो हम ये जो भी शब्द बनाएंगे ये काट कर बनाएंगे, ठीक है। तो बन गया पराभव। इसी तरह से शब्द है हमारा परा क्रम, परा बनाया, का में रा का हुक, मा की व्यंजन रेखा, बन गया पराक्रम, ठीक है ना। हो गया ना शब्द इजी, पढ़ने में आसान हो गया, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, दैट इज अप। अप के लिए पा की व्यंजन रेखा, तो लिखना है अप कीर्ति, तो अप कामेरा का हुक और ता, अप कीर्ति, अप मान। और ये कई जगह में आपको, जब हम स्मार्ट आउटलाइन पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी बहुत जगह मैंने आपको इस तरह के शब्द बताए हैं, वहां पर इनका यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है हमारा अप शब्द, तो कैसे लिखेंगे देखो, अप श का व्रत ब और द, अप शब्द। एक शब्द आता है हमारा अपकार, तो अप का में रा का हो, अपकार। इसके बाद देखिए शब्द बनता है हमारा उप, तो उप के लिए पा की व्यंजन रेखा को ही थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। क्यों बनाया होगा थर्ड प्लेस पे, क्योंकि यहां पर उ जो मात्रा है वो थर्ड प्लेस की मात्रा है, इसलिए हम इस शब्द को भी लाइन से काट के बनाएंगे। तो हमने बनाया उप, अब शब्द बना उपकार, तो देखिए उपकार। अपकार और उपकार का अंतर समझ में आया, अपकार बनेगा लाइन के ऊपर और उपकार बनेगा लाइन पर। इसी तरह से शब्द बना आपका अपकृत, तो देखिए अप या उपकृत, ठीक है, उपकृत। पा की व्यंजन रेखा, का में रा का हुक और ता का हुक, इस तरह से हमने उपकृत शब्द बनाया। इसके बाद देखिए अनुदिन, अनुकरण, अनुचर, इस तरह के अनु, तो क्या होगा, ना की व्यंजन रेखा बनाएंगे और ये बनेगी लाइन के ऊपर, मतलब अनु से कोई भी शब्द शुरू होगा तो वो बनेगा लाइन के ऊपर। तो हमने बनाया अनु दिन, दिन का हमारा शब्द चिन्ह है ना, वही हमने यूज किया, ठीक है, दिन का जो शब्द चिन्ह था हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका शब्द है अनुकरण, तो देखिए अनुकरण, कामे रा का हुक, ना का हुक, दोनों ही हुक लगाए हैं हमने यहाँ पर। अनुचर, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा नी या इन, जैसे निवास, निषिद्ध, निधन या इंसाफ, तो वही ना की व्यंजन रेखा लाइन पर आ जाएगी। तो जैसे हमें लिखना है निवास, तो निवास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मतलब कावर के अक्षर माना और दा में क्या होता है, लाइन पर लिखे जाते हैं तब माने जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना, तो इनके लिए दो ही प्लेस होते हैं, एक अबव द लाइन, एक ऑन द लाइन। इसमें सेकंड और थर्ड प्लेस ऑन द लाइन ही डिफाइन होता है, तो हम इसे उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा निषिद्ध, तो निषिद्ध कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहां पर ना की व्यंजन रेखा को बनाएंगे और ध बनाएंगे, ठीक है, तो नी सी ध, निषिद्ध। इसी तरह से शब्द है निधन, लास्ट में कट दे देंगे। इंसाफ, तो न सा और फ, इंसाफ, इस तरह से हमने शब्द को बनाया। देखिए शब्द कोई भी बनाइए, उसका बेसिक याद रखिए कि वो शब्द को बनाते समय आपने क्या बेसिक चीजें माइंड में रखी थी, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे ना, तो कोई भी शब्द बनाइए वो इजी रहेगा और माइंड में सेट रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज है ना, अगर रटेंगे, अगर आप इन्हीं सारे शब्दों को रटना शुरू कर देंगे, तो आपको वो उतने ज्यादा याद नहीं रहेंगे, जितना याद तब रहेंगे जब आप इनको समझ के बनाएंगे। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि आप शब्दों को समझ के बनाएं, ठीक है। इसी तरह से शब्द है निस,
तो न और स। अब इससे बना निष्पाप, तो निष्पाप। निश इसी को थोड़ा बाहर निकालेंगे, जैसे मुश्किल वाले शब्द चिन्ह में निकाला था कर्म। निश्चय ये एक ऐसा शब्द है, सच बताऊं मैं, जहां पर या को ऐड करने में ना बड़ी मुश्किल होती है, तो तब हम यहां पर या का शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो निश्चय इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसी तरह से देखिए शब्द आ रहा है निर, तो निर शब्द जब हम बनाएंगे तो कैसे हुआ, यहां पर निर के लिए ना और रा इस तरह से। तो जैसे शब्द है हमारा निर्जीव, तो निर बनाया, जा बनाया, और यहाँ पे ये वा का शॉर्ट फॉर्म। ऑलरेडी ट्रिकी यूज ऑफ वा एंड या मैं आपको बताया है ना, उसी तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से शब्द है आपका निर्मल, तो देखिए निर्मल, ला की व्यंजन रेखा को अपवर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द हमने बनाए हैं, ये इसका पार्ट वन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह से इस सीरीज में और भी पार्ट आएंगे जिनको कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी के लिए तब आप इन सारे शब्दों को प्रैक्टिस में लीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। आप जितने अच्छे से इन शब्दों को समझ लेंगे उतना ईजी होगा आपको इनको बनाना। तो अगर आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगी, तो प्लीज आप वहां पर विजिट करके इसको देख सकते हैं और इसे ज्वाइन भी कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम स्मार्ट आउटलाइन एंड एडवांस आउटलाइन पे वर्क करते हैं जो टफ होती हैं उन पर। तो तब तक के लिए नए वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को देखते रहिए और अपने लाइक एंड शेयर्स देते रहिए। थैंक यू।